वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं डॉक्टर वर्षिका सक्सेना और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। 13 अप्रैल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और अगर आप भी नवरात्रे के चलते हुए अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो मैं आप ही के लिए लाई हूँ एक अमेजिंग सा वेट लॉस डाइट प्लान। सबसे पहले तो किसी भी तरह की जो फास्टिंग होती है वो वेट लॉस के लिए अमेजिंग होती है, क्योंकि जब आप फास्ट रखते हो तो इस दौरान आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। और जो इस बार के नवरात्र है ना वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये जो इस बार के नवरात्र है ना वो पड़ रहे हैं समर्स में, और समर्स में भूख कम लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए वेट लॉस करने के लिए इस बार की जो नवरात्र हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक तरीका है अपना वेट लॉस करने का इस नवरात्र में। साथ ही हम जब फास्ट रखते हैं तो हम लेते हैं सात्विक भोजन, और सात्विक भोजन से हमारी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है, जो हमारा मन होता है वो शांत रहता है, और हमारी बॉडी के जो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन आप इस नवरात्रि में अपना वेट लॉस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। सबसे पहले उठते ही आपने डिटॉक्स वाटर बनाना है क्यूकुम्बर, लेमन और मिंट लीव्स के साथ। इसकी रेसिपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसको 2 घंटे के लिए बनाकर छोड़ देना है, रख देना है, और 2 घंटे बाद से आपने जब भी प्यास लगेगी तब आपने इसी डिटॉक्स वाटर को पीना है। और जब भी आप पानी पिए तो इस डिटॉक्स वाटर को नॉर्मल वाटर से रिफिल करना ना भूलें, और ये डिटॉक्स वाटर आपने शाम के 5-6 बजे तक ख़त्म कर देना है। इसके बाद जब भी प्यास लगेगी तो आप नॉर्मल वाटर पिए, फ्रीज का पानी पीने की बजाय आप घड़े का पानी पिए, जो ठंडा भी होता है और आपको नुकसान भी नहीं देगा। और इस बात को तो अपने दिमाग में बिठा लो कि आपने एक दिन में 4 से 5 लीटर या फिर 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है, क्योंकि समर्स में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक की, जो आप उठते ही लोगे फ्रेश होने से पहले। आपने 1 से 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना है विद हाफ लेमन, या फिर आप जीरा टी भी ले सकते हो। ये दोनों ही ड्रिंक अमेजिंग वर्क करती हैं एज अ फैट कटर। अब आपने मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद फ्रेश होना है, नहाना धोना है, अपनी पूजा पाठ करनी है, और इसके बाद आपने लेना है 5 से 6 बादाम, या फिर इनके अलावा आप एक अखरोट भी ले सकते हो, और इनमें से कोई भी एक चीज़ लेने के साथ ही आपने एक बनाना लेना है। अगर बनाना नहीं है तो आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हो। आपने ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बो साथ में लेना है अपना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद। यहाँ मैं आपको हर मील में कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ जिससे आप नवरात्रि के 8 दिन कुछ नया खा सको और नवरात्रि को एंजॉय करने के साथ ही अमेजिंग वेट लॉस कर सको। तो अब बात आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। फर्स्ट ऑप्शन है 1 प्लेट साबूदाना खिचड़ी विद ग्रीन चटनी या फिर कर्ड। दूसरा ऑप्शन है 1 प्लेट सलाद, जो आप खीरा, टमाटर, मखाना और पीनट से बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन है समा के चावलों की इडली, जो आप कोकोनट चटनी से ले सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है 1 ग्लास बनाना शेक, जो कि आप उसमें शुगर नहीं डालोगे। जब आपका कुछ ज्यादा हैवी खाने का मन ना हो तो आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 साबूदाना वड़ा विद ग्रीन चटनी। नेक्स्ट ऑप्शन है भुना हुआ जीरा आलू, जो हम एक बोल लेंगे, जो हम मोस्टली सब लोग अपने फास्ट में हर बार खाते ही हैं, जिसके साथ आप 1 कप मिल्क ले सकते हो जिसमें शुगर नहीं पड़ेगी। जैसे हम बनाना शेक बनाते हैं वैसे ही बनाना लस्सी भी बनती है, तो आप वो भी ले सकते हो। ये भी एक बहुत ही अच्छा और टेस्टी ऑप्शन होता है फास्ट में लेने के लिए, जिसमें शुगर नहीं डालेंगे आप। और ब्रेकफास्ट का लास्ट ऑप्शन है एक कूटू का चीला, जिसमें आप कोई भी सब्जी लाइक पम्पकिन या फिर आप लौकी को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो, इसका चीला बना सकते हो, जिसके साथ आप ग्रीन चटनी ले सकते हो, पुदीने की चटनी ले सकते हो, धनिया की चटनी ले सकते हो, या फिर आप दही भी ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद होता है हमारा मिड मॉर्निंग मील का टाइम, जिसमें आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप लेमन वाटर भी ले सकते हो, जिसमें सॉल्ट या फिर शुगर का यूज़ नहीं करेंगे आप। इन्हीं के साथ आप ड्राई रोस्ट पीनट ले सकते हो या फिर आप एक सीजनल फ्रूट भी ले सकते हो। मिड मॉर्निंग मील के 2 घंटे बाद हमारा टाइम होता है लंच का, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है पूरा प्रॉपर खाना, जिसमें आप ले सकते हो 1 कूटू आटे की रोटी या फिर सिंघाड़े आटे की रोटी, जिसके साथ आप एक कोई भी कटोरी सब्जी ले सकते हो। 1 गिलास आपने छाछ ज़रूर लेनी है, या फिर आप दही लीजिएगा अगर छाछ नहीं ले रहे हैं। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कूटू के आटे की रोटी होती है या फिर जो आटा होता है कूटू का, वो आपके पेट में जाके गर्मी कर सकता है, और इस समय समर्स का टाइम है, इसलिए आपने अपने पेट को ठंडा रखने के लिए छाछ या फिर दही ज़रूर लेना है। इसी के साथ आपने 1 क्वार्टर प्लेट सलाद भी जरूर ऐड करनी है अपनी डाइट में। सेकंड ऑप्शन सिंघाड़ा और कूटू के स्टफ्ड रोटी है, जो आपने कर्ड के साथ लेनी है। एक छोटी कटोरी दही ले लीजिएगा, उसके साथ खाइएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कूटू और लौकी का चीला, जो आपने ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है सूखे भुने आलू विद एनी रायता। आप कोई भी रायता बना लीजिएगा, लौकी का, खीरे का, या फिर जो मिक्स रायता बनता है वो बना लीजिएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्स फ्रूट रायता या फिर मिक्स फ्रूट क्रीम, जो आपने दही के साथ बनानी है, मलाई का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप बॉइल्ड आलू चाट बना सकते हैं, जिसमें आप गुड़ का थोड़ा सा यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके अलावा फ्रूट चाट भी ले सकते हैं एक कटोरी, या फिर एक कप साबुदाना खीर ले सकते हैं, जिसमें खांड या फिर गुड़ का यूज़ करते हैं, शुगर नहीं यूज़ करिएगा। लंच के 2 घंटे बाद हमारा टाइम हो जाता है इवनिंग स्नैक का, जिसमें आप आधा कप मिल्क टी ले सकते हैं, जिसमें शुगर का यूज़ नहीं करेंगे आप, या फिर अगर आप ग्रीन टी ले सकें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ आप ड्राई रोस्ट मखाना या फिर ड्राई रोस्ट पीनट भी ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक के बाद टाइम आता है डिनर का, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक प्लेट समा के राइस पुलाव प्लस चटनी, सेकंड ऑप्शन है एक बोल लौकी की सब्जी ले लें, जिसके साथ आप एक प्लेट सलाद ज़रूर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पपाया विदाउट सॉल्ट। अगर आपका ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो आप एक प्लेट पपाया ले लें, मतलब कि पपीता ले लें। नेक्स्ट ऑप्शन है टमाटर आलू की एक कटोरी सब्जी प्लस 2 टेबल स्पून आप समा के राइस ले सकते हैं। अब अगर आपका किसी दिन हैवी खाने का मन नहीं है और रात में, वैसे मैं बताऊँ तो डिनर आपको हल्का ही लेना चाहिए, तो ऐसे में आप लौकी का सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप ले सकते हैं, या फिर पम्पकिन का सूप ले सकते हैं, मतलब कि जो कद्दू होता है उसका सूप ले सकते हैं। और सूप के अलावा आप एक प्लेट समा के राइस की खिचड़ी भी ले सकते हो, साबुदाने की भी खिचड़ी ले सकते हो, या फिर अगर इन सब चीज़ों का मन नहीं है तो 1 ग्लास खजूर शेक भी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और लास्ट ऑप्शन है 1 ग्लास मिल्क विदाउट शुगर। अब आपने पूरा दिन जो कुछ भी खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए नाइट ड्रिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो आप नाइट ड्रिंक में अजवाइन टी लीजिए, ये रोज़ सेम रहेगी, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। रात में अगर आप इसको लेते हैं तो जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो बूस्ट होता है इससे, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी खाया होता है ना पूरे दिन में वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और अगले दिन आप फ्रेश फील करते हो। मील्स के अलावा अगर आपको दिन में कभी भी भूख लगती है तो आप एक क्यूकुम्बर लें या फिर ककड़ी लें या फिर वाटरमेलन लें। ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करती हैं वेट लॉस में और आपका जल्दी से पेट भी भर देती हैं। और 2 बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी मील लेनी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना लें, छोटी छोटी मील लें लेकिन ज़्यादा मील लें, जिससे आपका डाइजेशन अच्छे से होगा और अच्छा डाइजेशन मतलब वेट लॉस होगा, वेट नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी आप खाना बनाएं तो रिफाइंड का यूज़ ना करें, रिफाइंड की जगह आप देसी घी का यूज़ करें और देसी घी घर का निकला हुआ ही ट्राई करें कि घर का निकला हुआ ही हो देसी घी, और कम से कम यूज़ करने का ट्राई करें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस बार के जो नवरात्रे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस नवरात्रे आप बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस करने जा रहे हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नवरात्रि, आई होप आपके अमेजिंग रहे ये नवरात्रे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हैप्पी नवरात्रि यार बोल देना, मैंने तो आपको बोल दिया है, मुझे भी ज़रूर 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 बोलना, क्योंकि इस नवरात्रि में भी ये सेम डाइट प्लान अपने ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ, तो यार मुझे भी विश कर देना, मुझे भी गुड लक बोल देना। आप लोगों को तो मैंने बोल ही दिया है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर हिट कर देना, क्योंकि इस बेल आइकन को ही हिट करके मेरी आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी, व्लॉग्स होंगी, उनकी नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योरसेल्फ। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि।